हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो डिस्कस करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में जो भी वीडियो अपलोड किया था उसी से रिगार्डिंग जो 16 क्वेश्चंस हैं जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। WWF जिसका मीनिंग होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया, मतलब हम अभी इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहे, इंडिया में जो इसका एक सब बॉडी है या फिर इंडिया का अपना एक पूरा होल सोल WWF इंडिया जैसे बोलते हैं उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। WWF इंडिया हेड क्वार्टर्स इज लोकेटेड एट विच सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के किस शहर में है। तो लाइक जैसे आपने पढ़ा था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का हेड क्वार्टर मुंबई में है, उसी सेम पॉइंट पे मुंबई में ही WWF इंडिया का हेड क्वार्टर्स भी लोकेटेड है। इस तरीके से आपको ध्यान रहेगा। जबकि एक हमने पढ़ाया था आपको WTI मतलब वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसका हेड क्वार्टर है उत्तर प्रदेश की सिटी नोएडा में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हम बात करते हैं मॉर्गेज मैनिफेस्टो इज डायरेक्टली कंसर्न टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ग्लोबल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मॉर्गेज इज ए नेम ऑफ सिटी दैट लोकेटेड इन दिस स्विट्जरलैंड। ठीक है, मॉर्गेज मैनिफेस्टो इज डायरेक्टली कंसर्न मतलब मैनिफेस्टो का मतलब होता है प्रस्ताव। ठीक है, तो मैनिफेस्टो जो मॉर्गेज मैनिफेस्टो है उसका संबंध था WWF के एस्टेब्लिशमेंट से। ठीक है, क्योंकि स्विट्जरलैंड का सिटी है और इसका प्रस्ताव लाने का मतलब ये था कि WWF से पहले भी, जो WWF का मतलब होता है कि WWF इंटरनेशनल, इससे पहले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के फील्ड में काम कर रहे थे बट दे नॉट एबल टू देयर वर्क प्रॉपरली इन फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तब उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम आती थी फंड की, तो फंड रेज करने के लिए, फंड कलेक्ट करने के लिए वहाँ के लोगों ने जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे कंजर्वेशन, उन्होंने एक अपना फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया था स्टार्टिंग में, उसके लिए बुलाए थे मॉर्गेज मैनिफेस्टो और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट WWF इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी उसके रिजल्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द गेंड पांडा, जो कि वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसका सिंबल है, उसका एम्बलम पे उसका फोटो है। तो इसके बारे में क्या बात सही है, हमें वो बात करनी है। देखिए जो पांडा होता है, जो गेंड पांडा होता है, रेड पांडा होता है, हमारा यहाँ जो कंसर्न है, जो बात करने का मोटो है वो है गेंड पांडा के बारे में, क्योंकि गेंड पांडा इज द सिंबल ऑफ WWF इंटरनेशनल। ठीक है, फीड्स ऑन द ग्रासेस इंक्लूडिंग बाम्बू। ठीक है, एक बात यहाँ पर ध्यान रखें, बाम्बू जो होता है बॉटनी में, जो नॉन बायोलॉजिकल फील्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए बाम्बू, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं बांस, बांस जिस प्लांट फैमिली को बिलोंग करता है उसका नाम होता है ग्रैमनी या दूसरा नाम होता है पोएसी। वो एक मोनोकार्ड फैमिली है और इस फैमिली में जितने भी प्लांट आते हैं नॉर्मली हम उन्हें ग्रासेस बोलते हैं, जैसे वीट, गेहूँ, राइस, धान, जौ, ये सब जो प्लांट जितने भी होते हैं जो सीरियल्स होते हैं वो सब इसी में आते हैं, इंक्लूडिंग शुगर केन भी इसी फैमिली का मेम्बर है। तो एक जनरल टर्म में इस फैमिली में आने वाले सभी प्लांट को हम ग्रासेस बोलते हैं। तो बम्बू जो होता है बस वो भी इसी फैमिली का मेम्बर है। तो कहने का मतलब है फीड्स ऑन ऑल ग्रासेस इंक्लूडिंग बम्बू, ये बात सही नहीं है। केवल जो गेंड पांडा होता है इसका जो फूड मटेरियल होता है, ठीक है, वो बम्बू होता है ना कि ऑल ग्रासेस। ये यहीं से पहला पॉइंट है कि नॉट ट्रू, बात पूछ रहा है कि ट्रू नहीं है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे है कि लो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, हाँ बिल्कुल सही बात है, लो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, बहुत लंबे ड्यूरेशन के बाद ये बच्चा पैदा करता है, मतलब जैसे कि इन ह्यूमन बींग में 9 मंथ होता है तो इसमें होता है 28 मंथ का पीरियड। इसी तरीके से स्मॉल पॉपुलेशन साइज, नंबर इनका बहुत कम है, ये सभी बातें सही है, मगर पहला जो स्टेटमेंट है कि फीड्स ऑन ऑल ग्रासेस इंक्लूडिंग बम्बू, मतलब सभी ग्रासेस फीड करता है, इसका मतलब हुआ कि धान को भी खाएगा, गन्ने को भी खाएगा, वीट को भी खाएगा, ऐसा नहीं है, ये केवल बम्बू को खाता है, मतलब बांस के प्लांट जो होता है उसकी जो टेंड्रल्स होती हैं, जो न्यूली बॉर्न लीव्स होती हैं उन पर ये फीड करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे है नॉट ट्रू का मतलब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द WWF इंटरनेशनल। जब सिंपल हम बात करेंगे तब इसका मतलब इंटरनेशनली होगा, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, और जब हम किसी एक पार्टिकुलर कंट्री की बात करेंगे जैसे कि इंडिया की बात करें तो हम इसका नाम लिखेंगे WWF इंडिया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि WWF कहीं पर लिखा हुआ तो इसका मतलब ये होता है कि WWF इंटरनेशनल, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इट्स एम्ब्लेम हैविंग पिक्चर ऑफ गेंड पांडा, बिल्कुल सही बात है, गेंड पांडा का सिंबल है, हमने अपने लेक्चर में पहले ही पहला सीन यही आता है कि गेंड पांडा का पिक्चर लगा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है इट एस्टैब्लिश्ड इन 1961, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 29 अप्रैल 1961 में इसकी स्थापना हुई थी मॉर्गेज स्विट्जरलैंड में। इसके बाद इट्स हेड क्वार्टर लोकेटेड एट मॉर्गेज स्विट्जरलैंड, ये भी बात सही है। तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द WWF इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि जो WWF था
हैज़ बीन रीनेम्ड एज वर्ल्ड फंड फॉर नेचर या फिर वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, दोनों बातें सही हैं। इसका नाम WWF से WFN कब रखा गया, ठीक है, तो 1962, 1986, 1984, 1982, तो ये जो इसका नाम था वो रखा गया है आपका 1986 में, जब इसकी सिल्वर जुबली जो थी सेलिब्रेट करी गई, तब इसका नाम, क्योंकि ये फंड रेज करने का काम करता था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है वर्ल्ड फंड फॉर नेचर या वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी रिसेंट क्वेश्चन होता है, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं हमेशा चेंज होते रहते हैं, इन पर बहुत नैरेटिव आपको बहुत ही क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि ये आज मैं बताता हूँ कल दूसरा चेंज हो सकता है। कहने का मतलब है कि इन विच आर द फॉलोइंग एनिमल इज अपग्रेडेड फ्रॉम द इनडेंजर्ड टू वल्नरेबल, मतलब पहले वो इनडेंजर्ड था, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा उस पर खतरा था, उसके सर्वाइवल को ख़त्म होना की तरफ वो मूव कर रहा था, बट कंजर्वेशन एफर्ट के बाद वो वल्नरेबल हो गया, मतलब वो एक ऐसी कंडीशन में आ गया कि अभी वो ख़त्म नहीं होगा, मतलब अच्छी कंडीशन में जा रहा है, ग्रोइंग हो रहा है, उसके नंबर कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो ये वाली जो घटना हुई है कि उसका अपग्रेडेशन हो गया बाय द कंजर्वेशन एफर्ट, वो एनिमल कौन सा है, सी टर्टाइल, गेंड पांडा, गोरिल्ला एंड एलिफेंट, ठीक है गाइस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो गेंड पांडा के बारे में बात हुआ, गेंड पांडा के बारे में इतना ज़्यादा एफर्ट हुए कंजर्वेशन कि वो जो था अपने इनडेंजर्ड कैटेगरी से बाहर आ गया और अब वो आज वल्नरेबल है। वल्नरेबल इज लेस स्ट्रेसफुल कैटेगरी ऑफ द IUCN रेड लिस्ट, जबकि इनडेंजर्ड काफ़ी टिपिकल एंड काफ़ी स्ट्रेसफुल कैटेगरी होती है, जहाँ पे इनडेंजर्ड के बाद जो इंडिविजुअल्स होता है, जो एनिमल होता है वो क्रिटिकल इनडेंजर्ड होता है, उसके बाद एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड फाइनली वो खत्म हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट है, तो पॉजिटिव रिपोर्ट इज अबाउट द गेंड पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, केवल हमें ये बात करना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा, कौन सी बात सही है, इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, गेंड पांडा अपग्रेडेड फ्रॉम इनडेंजर टू वल्नरेबल, ये बिल्कुल सही, अभी डिस्कस किया है, ऐसा हुआ है। अच्छा, गोरिल्ला एक दूसरा एनिमल होता है अपग्रेडेड फ्रॉम क्रिटिकल इनडेंजर टू इनडेंजर, ये भी पॉजिटिव बात है और ये भी बात सही है कि क्रिटिकल इनडेंजर इनडेंजर से भी खतरनाक होता है, तो गोरिल्ला जो है क्रिटिकल इनडेंजर से अब इनडेंजर की कैटेगरी में आ गया, जैसे कि गेंड पांडा इनडेंजर से वल्नरेबल में आ गया। थर्ड वन है लियोपार्ड, इसके केस में उल्टा हुआ, ग्रेडेड हुआ, ये डीग्रेड हुआ है, मतलब पहले ये लिस्ट कंसर्न था, अब ये वल्नरेबल हो गया, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, तो ये सभी बातें सही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तीन एनिमल की प्रेजेंट IUCN स्टेटस के बारे में बात करी गई, कौन सा स्टेटस चेंज हुआ, ये क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं, तो इसे ध्यान से देखें प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक साइट मतलब कहना चाहिए कि वाइल्ड क्राइम वाइल्ड लाइफ क्राइम टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट इज़ फंडेड बाई, जैसे होता है कि हम एक ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, मैनुअल काम कर रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वाइल्ड लाइफ क्राइम टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ठीक है, एक प्रोजेक्ट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फंडेड है, तो हमें ये बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे फंडिंग किया है, मतलब इसमें पैसा कौन लगा रहा है, facebook.com या गूगल ऑर्गेनाइजेशन या youtube.com या ट्विटर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसे सपोर्ट करने वाला जो फंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट हो रही है इस ऑर्गेनाइजेशन को, वो प्रोजेक्ट को, वो हो रही है आपके गूगल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में हम डिस्कस करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज नॉट कंडक्टेड बाई WWF, मतलब WWF ने अभी तक बहुत अच्छी इसकी एक मतलब सुपर हिस्ट्री रही है, जिनने बहुत सारे एनिमल को प्रोटेक्ट किया है, तो कहने का मीनिंग यहाँ पे कि इसमें से कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें WWF का कंट्रीब्यूशन नहीं है, या उसने वो प्रोजेक्ट जो था कंडक्ट नहीं किया था, क्रेन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, स्लोथ बियर प्रोजेक्ट, या फिर प्रोजेक्ट हंगुल। हमने आपको प्रोजेक्ट हंगुल पढ़ाया है, हंगुल एक एनिमल है जो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, और ये वाला जो प्रोजेक्ट था अपना WTI मतलब वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है और इंडियन पेरिफेरी में ओनली काम करता है, ये उसका प्रोजेक्ट था, जबकि ऊपर वाले तीनों प्रोजेक्ट हैं क्रेन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट एंड स्लॉथ बियर प्रोजेक्ट जो है वो आपका WWF का था, जबकि ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो WTI का है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। तो गाइस यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि अब नॉट पूछा है, तो नॉट के लिए ये हंगुल प्रोजेक्ट जो है WTI का है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का, ना कि WWF का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ एनिमल्स हैं कॉलम ए में, कॉलम बी में इनकी IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी है, तो हमें मैच करना है कौन सा एनिमल किस कैटेगरी में रखा है, जैसे अफ्रीकन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट, हंगुल एंड तिब्बतियन एंटीलोप, जिसे हम चिरू गॉड भी बोलते हैं। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट बात ये कि अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट दोनों की हमें कैटेगरी अलग अलग है, एलिफेंट तो मतलब एक अफ्रीकन है एक एशियन है, तो अफ्रीकन एलिफेंट जो होता है वो जो है पहले का देखें आप इसे, ये वल्नरेबल है अफ्रीकन एलिफेंट, मतलब कम खतरे में, जबकि एशियन एलिफेंट जो है वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा खतरे में इनडेंजर्ड है, ठीक है, और हंगुल जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक खतरे में है, वो है क्रिटिकल इनडेंजर्ड।
और आपका तिब्बतियन एंटीलोप जो है वो नियर थ्रेटेंड है कि इसके बारे में बहुत ही कम खतरा है, इसे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है इसे, ठीक है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखने को मिली है कि हमारा जो एशियन एलिफेंट है वो ज़्यादा खतरे में इंडेंजर्ड कैटेगरी में, और अफ्रीकन एलिफेंट आपका वल्नरेबल है, और हंगुल सबसे ज़्यादा खतरे में क्रिटिकल इंडेंजर। तो करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे होता है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में इन विच आर द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द गेंड पांडा। गेंड पांडा के बारे में दोबारा क्वेश्चन आया, क्योंकि गेंड पांडा काफ़ी एग्जामफुल क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं मोस्टली एग्जाम्स में, पीएमटी से लेके आपके सीएसआईआर और वेरियस टीचिंग एग्जाम में तो बहुत कॉमन क्वेश्चन गेंड पांडा से नॉर्मली पूछा जाता है। देखिए, नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया चाइना, क्योंकि चाइना पाया जाता है तो यहाँ पर इसकी बहुत वैल्यू है, तो नेशनल ट्रेजर कंसिडर करते हैं इसे। दूसरा है इट इंटायरली डिपेंड ऑन द बम्बू फॉर फूड। देखिए यहाँ पे इंटायरली आया है कि पूरी तरीके से ये बम्बू पे डिपेंड होता है, ये बात बिल्कुल सही है, दूसरे प्लांट पे नहीं खाता, उनका कोई पार्ट ये नहीं खाता। इसके बाद थर्ड है इट फाउंड इन टेम्परेट ब्रॉड लीफ एंड मिक्सड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रॉड लीफ का मतलब होता है जो ड्राई कट वाले जो प्लांट होते हैं बड़े बड़े, इनकी चौड़ी पत्ती होती है उस तरीके, और टेम्परेट मतलब ठंडे इलाकों में जो ब्रॉड लीफ एंड मिक्सड फॉरेस्ट होते हैं स्पेशली चाइना के, वहाँ पर ये अपने नेचुरल हैबिटेट में पाया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अपने इंडिया के बारे में, कि WWF जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया वाज इस्टेब्लिश। पहले तो ये कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, कब ये बनाया गया था ऑर्गेनाइजेशन, देखिए जो मेन WWF है वो तो 61 में बनाया गया था, और जो इंडिया ने बनाया है अपना वो 1969 में बनाया है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे WWF फंड इंडिया, ठीक है, वो इन्होंने अपना बनाया 69 में, ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर बी, 69 में बनाया इंडिया ने अपना। इसके बाद पोलर बियर, पोलर बियर की आईयूसीएन रेड लिस्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि किस कैटेगरी में आता है, लिस्ट कंसर्न है, इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। तो गाइस जो पोलर बियर है उस पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल, एक पूरा सेट एनिमल का है, तीन तीन एनिमल्स उसमें दिए हैं कि सब एनिमल ऐसा कौन सा सेट है जिसमें जितने भी एनिमल हैं वो सब इंडेंजर्ड हों। देखिए सी टर्टाइल, राइनो, वेल, पोलर बियर, देखिए पोलर बियर वाला तो गड़बड़ हो गया क्योंकि वल्नरेबल है ऊपर, और नीचे अफ्रीकन एलिफेंट अभी आपको बताया है कि वो डेंजर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया, बी ये भी गलत हो गया, सी वाला और डी वाला देखते हैं। देखिए उसमें पोलर बियर है तो ये भी गलत हो गया, तो बचा कौन सा, सी टर्टाइल, राइनो एंड वेल जो हैं जितने एनिमल हैं तीनों वो सब आपके इंडेंजर्ड कैटेगरी। तो करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे ए, सी टर्टाइल, राइनो एंड वेल, ठीक है, ये इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, नेम ऑफ द एनिमल विच डू नॉट इंक्लूडेड इन WWF लिस्ट दैट सेव्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अभी WWF ने बहुत सारे एनिमल्स को उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है और उन्हें सेव कर लिया है खत्म होने से, एक्सटिंक्ट होने से बचा लिया है, तो उसमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसे WWF ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड नहीं किया, मतलब उस पर उसने कोई काम नहीं किया, उसके कंजर्वेशन में उसने कोई एफर्ट नहीं किया, टाइगर, एलिफेंट, गोरिल्ला। जब आप WWF की साइट पर जाएंगे तो आपको लिस्ट मिलेगी एनिमल्स की, तो उसमें आपका इंडियन बफेलो नहीं है, ठीक है, तो इंडियन बफेलो के कंजर्वेशन में WWF का कोई भी रोल नहीं है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ठीक है, मतलब उसने इस पर कोई प्रोजेक्ट नहीं डाला है, फंडिंग हो सकती है प्रोवाइड करी हो मगर इस पर कोई डायरेक्टली इन्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं है इसका। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द माउंटेन गोरिल्ला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोरिल्ला के बारे में भी क्वेश्चन रहता है। देखिए न्यू सर्वे रिवील्स इंक्रीज इन इट्स पॉपुलेशन, नया सर्वे ये बताता है कि इसकी पॉपुलेशन बढ़ी है, बिल्कुल सही बात है, इसकी पॉपुलेशन बढ़ी है। सेकेंड क्वेश्चन में बात कर रहा है ऑप्शन में इसके, कि इट डाउन लिस्टेड फ्राम इंडेंजर्ड, सॉरी डाउन लिस्टेड टू करो यहाँ पर तब सही आएगा, टू इंडेंजर फ्राम क्रिटिकल इंडेंजर्ड इन IUCN रेड। ये भी अच्छी बात है, इसके बारे में पॉजिटिव मिला है हमें कि क्रिटिकल इंडेंजर से ये इंडेंजर्ड हो गया है, ठीक है। थर्ड वन है कि इट लिव्स इन माउंटेन्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रवांडा, उगांडा एट एल्टीट्यूड ऑफ 8,000 फीट से 13,000 फीट की, मतलब 8,000 टू 13,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है, और पाया कहाँ जाता है, अफ्रीकन कंट्री है। देखिए कांगो, रवांडा एंड युगांडा ये सब क्या है, अफ्रीकन कंट्री हैं, तो ये अफ्रीका में पाया जाता है। ये तीनों बातें जो है इनके बारे में सही है क्वेश्चन। तो करेक्ट जो करेक्ट आंसर है इस डी, कि इसकी पॉपुलेशन बढ़ी है और ये पहले क्रिटिकल इंडेंजर्ड था रेड लिस्ट में, अभी इंडेंजर्ड हो गया बाई हेल्प ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट, एंड ये फाउंड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रवांडा एंड युगांडा में 8,000 से 13,000 की फीट पर पाया जाने वाला एनिमल है। तो करेक्ट गाइस एवरीथिंग। तो आई होप दैट होल टॉपिक्स you find clear very much. Please do subscribe my channel if you like this video. Thank you very much.